दोस्तों, विटामिन ई हमारे शरीर के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए मिनरल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे में एक है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी की वजह से हमारे शरीर में ये रोग और लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे बालों का तेज गति के साथ झड़ना, गंजेपन की स्थिति होना, शरीर के हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, खुजली की भी समस्याएं होने लगती है, शरीर में ताकत नहीं लगता है, रोगी स्थिर पड़ने लगता है। ऐसे में विटामिन ई डिफिशियंसी को आप इन माध्यमों से दूर कर सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए एक घुलनशील मिनरल्स होता है। वसा में घुलनशील विटामिन ई हमारे शरीर के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी वजह से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन स्कैल्प पर, बालों की जड़ों पर तेज गति से होता है। जिस हिस्से पर बाल होते हैं, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन को पूरा करने के लिए विटामिन ई की आवश्यकता होती है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो शरीर में एनर्जी की कमी महसूस होने लगती है, बाल गिरने लगते हैं, झंझनाहट की स्थिति देखने को मिल जाती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। ऐसे में आप इन माध्यमों से दूर कर सकते हैं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं भनोद कुमार फ्रॉम जयबाला जी आयुर्वेद पलामू झारखंड। दोस्तों, मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूं। हमारे चैनल पे पहली बार है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, आप शकरकंद का उपयोग करें। शकरकंद आसानी से बाजार में मिल जाता है, जिसमें विटामिन ई की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसके साथ कार्बोहाइड्रेट की भी एक अच्छी मात्रा होती है, जो बॉडी की एनर्जी को बनाए रखने में वह फायदेमंद होता है। नंबर 2, आप ब्रोकली का इस्तेमाल करें। ब्रोकली सब्जी हमारे शरीर को विटामिन ई, कैल्शियम और भी अन्य न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ब्रोकली में काफी ज्यादा मात्रा में ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो हमारे ऑल ओवर हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं। नंबर 3, पालक का इस्तेमाल करें। पालक हमारे शरीर के विटामिन ई को पूरा करने वाला एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। पालक के इस्तेमाल से हमारे बालों की ग्रोथ होती है, जिसमें विटामिन ई की प्रचुर मात्रा होती है। साथ ही जिन्हें हेमोग्लोबिन यानी कि खून की कमी होती है, उसके भी यह भरपाई पूरा करता है। इसका इस्तेमाल करने से हमारा लिवर का डाइजेस्टिव हेल्थ भी सही रहता है, पाचन क्रिया पूरी तरह ठीक रहती है। ऐसे में इस पत्तेदार सब्जी का आप इस्तेमाल करें। आप कीवी फल का इस्तेमाल करें। कीवी फल में प्रचुर मात्रा में विटामिन ई भी होते हैं। इसके इस्तेमाल से हमारे बालों की ग्रोथ हो जाती है, हमारी बॉडी की नसों में जो झंझनाहट होते हैं, सूनापन की स्थितियां बन जाती है। इस स्थिति में भी कीवी फल हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो इन सब बीमारियों में लाभ मिलता है। दोस्तों, इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी कंपाउंड पाए जाते हैं, जिसके इस्तेमाल से हमारी बॉडी में सूजन की समस्याओं को दूर करता है। इसमें विटामिन ए की भी प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो आंखों की रोशनी लाने में सहायक होता है। इसके इस्तेमाल से हमारे लिवर्स का सिस्टम सही रहता है, कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करता है, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी बेहतर माना जाता है। कीवी फल के इस्तेमाल से हमारा हेमोग्लोबिन का स्तर भी उच्च होता है, जिसे इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा सूर्यमुखी का भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। सूर्यमुखी के बीज में ऐसे विटामिन ई की एक अच्छी मात्रा होती है, जिसके इस्तेमाल से हमारे बॉडी में विटामिन ई डिफिशियंसी की पूरी हो जाती है। बादाम का इस्तेमाल करें। बादाम या बादाम तेल में भी विटामिन ए की एक अच्छी मात्रा होती है। दोस्तों, इसके इस्तेमाल से हमारे नसों की कमजोरी दूर होती है, हमारा स्किन हेल्थ भी सही रहता है, त्वचा पर ग्लो चिकनापन भी आता है। तो बादाम, आलमंड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप अंडा का भी इस्तेमाल करें। अंडा का जो पीला भाग होता है, उसमें विटामिन ए की एक अच्छी मात्रा होती है। विटामिन ई की पूरा करने वाले पीले भाग में जो कंपाउंड होते हैं, हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट होते हैं। ऐसे तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे का इस्तेमाल करें। विटामिन ई की अलावे इसमें ऐसी मात्रा पाई जाती है, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की एक अच्छी मात्रा होती है, जो हमारे हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है। जिन्हें जल्दी जल्दी सर्दी बुखार की समस्याएं हो जाती है, ज्वाइंट पेन की समस्याएं बनी रहती है, बाल गिरने लगते हैं, शरीर में कमजोरी, वीकनेस फील होने लगते हैं, ऐसी स्थिति में आप अंडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ई को पूरा करने के लिए इन सब स्रोतों का आप इस्तेमाल करें। दोस्तों, और भी अन्य चीजें हैं जिसे आप दूरी बना करके रखें। जैसे आप जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल भी ना करें।
हरी और पत्तेदार सब्जियों को आप अपने भोजन में शामिल करें। पानी की मात्रा आप अपने बॉडी में बनाए रखें। फलों का जूस इस्तेमाल करें। आप खाली पेट ना रहें, कुछ ना कुछ खाते रहें। ड्राई फ्रूट में भी आप किशमिश, काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें पूरा भरोसा है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।